फैन की बदतमीजी को देख फूटा शाहरुख का गुस्सा, फिर जो हुआ उसे देख आप चौंक जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉलीवुड नजर। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख पिछले कई महीनों से अपनी अपकमिंग फिल्म पठान के लुक को छिपाने के लिए पब्लिक अपीयरेंस देने से बच रहे थे, लेकिन फाइनली कल रात शाहरुख खान मुंबई एयरपोर्ट पर दिखाई दिए। शाहरुख अपनी बहन और बेटे आर्यन एंड अब्राहम के साथ बाहर निकल रहे थे। इस दौरान शाहरुख के साथ उनकी मैनेजर और उनका बॉडीगार्ड रवि भी था। शाहरुख को एयरपोर्ट से बाहर आता देख कुछ ही पलों में वहां पैपराजीज और फैंस की भीड़ बढ़ने लगी। शाहरुख एयरपोर्ट से बाहर ही आ रहे थे कि इतने में एक नवाबजादा फैन शाहरुख के पास चला आता है और उनके साथ सेल्फी लेने लगता है। इतना ही नहीं, सेल्फी अच्छी आए उसके लिए शाहरुख को रोके रखने के लिए जनाब ने उनका हाथ भी पकड़ लिया। पहले तो किंग खान उनसे अपना हाथ झटक देते हैं और फिर जब शाहरुख उसकी ओर देखते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इस तरह हाथ पकड़ने की बदतमीजी शाहरुख को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इससे पहले कि गुस्से में शाहरुख कुछ कर बैठते, उनके गुस्से को आर्यन खान भांप लेते हैं और तेजी से अपने पिता के पास आते हैं। फिर आर्यन शाहरुख के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि शाहरुख का गुस्सा शांत हो। फिर भी शाहरुख बदतमीजी करने वाले उस शख्स को गुस्से से देखते रहते हैं, लेकिन ये फैन भी अपनी जिद पर टिका हुआ था और धक्का देकर दूर से जाने के बावजूद वो शाहरुख के पास आकर उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश में लगा हुआ था। दोस्तों, किसी भी सेलिब्रिटी की इजाजत के बिना उनके साथ फोटो लेना तो गलत है ही, साथ ही उनकी मर्जी के बिना उन्हें छूना और दुर्व्यवहार करना तो और भी ज्यादा गलत है। इसलिए हमें भी इस लड़के की ये हरकत बिल्कुल सही नहीं लगी। हालांकि कुछ लोग इस लड़के का भी पक्ष ले रहे हैं। खैर, इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड नजर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।